अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जवाहर जलाल और एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने बीकॉम के कोर्स से एक और चैप्टर कवर करने लगे हैं, द ट्राइपॉड्स। एक छोटी सी स्टोरी नुमा चैप्टर है, छोटा है लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग है। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, आपको आज इस वीडियो में मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जी दोस्तों, पहला पैराग्राफ शुरू होता है, द ट्राइपॉड्स हैड बीन रूलर्स ऑफ अर्थ फॉर मोर देन 100 ईयर्स। ट्राइपॉड्स को जमीन पर हुकूमत करते हुए 100 सालों से भी ज्यादा हो चुके थे। उन्होंने हुकूमत की निहायत ही सादे और मौसर तरीके से इंसानों के दिमाग पर काबू हासिल करके, और ये वो करते टोपियों के जरिए, चांदी के जाले से बनी हुई टोपियां जो उनके सरों पर बिल्कुल फिट बैठती और उनको सी दिया जाता पहनने वालों के दिमाग के साथ। और टोपियां पहनाने का ये अमल होता जब कोई 14 साल का हो जाता। उम्र के इस हिस्से में जब एक बच्चा नौजवानी की तरफ बढ़ रहा होता और ये अमल पहले से मंजूर शुदा होता। एक ऐसी चीज जिसके बारे में सबको पहले ही पता होता और इस अमल के दौरान बाकायदा दावतें होती और जश्न मनाया जाता। सेकंड पैरा शुरू होता है, अ फ्यू मंथ्स अर्लियर। कुछ महीने पहले मैंने देखा अपने कजन जैक को, जो कि मुझसे एक साल बड़ा था, जो कि इस रस्म से गुजरा और इसके बाद मैंने उसमें तब्दीली महसूस की। और इसके अगले ही साल मेरे साथ भी ये टोपियों वाली रस्म होनी थी। मेरे जहन में इसको लेकर कुछ बदगुमानी मौजूद थी, लेकिन मैंने इन्हें अपने तक ही महदूद रखा। ज्यादातर लोग कोई बात नहीं करते थे ट्राइपॉड्स और टोपियों के बारे में, और जाहिर है कभी किसी ने कोई सवाल नहीं किया इन चीजों के सही होने के हवाले से। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक वैग्रेंट और ओजिमेंडियस नहीं आ गए हमारे छोटे से गांव में जहां मैं रहता था। थर्ड पैराग्राफ शुरू होता है, द वैग्रेंट्स वर दोज फॉर होम कैपिंग हैड नॉट वर्क प्रॉपरली। वैग्रेंट्स वो लोग थे जिन पर टोपियों ने कोई खास असर नहीं किया था। उनके दिमागों ने ट्राइपॉड्स की शर्तों को कबूल करने से इनकार कर दिया था और इस इनकार के नतीजे में उनकी टोपियां टूट गई थी। वो भटकते रहते एक जगह से दूसरी जगह बिना आराम किए, और जो लोग उन पर रहम खाते वो उनका ख्याल कर लेते, और टोपी वाले मर्द और औरतें उनसे नफरत करते। और अब इन सब की वजह से मेरी उनमें दिलचस्पी बढ़ गई थी, और ख़ास तौर पर उस एक शख्स में जो अपने आप को बुलाता ओजिमेंडियस, बड़ा लाल बालों वाला और लाल दाढ़ी वाला आदमी जो गाता अजीब व गरीब गाने और कहता शायरी, और जब भी बोलता अजीब व गरीब बोलता। अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ मैंने उसे अपने अड्डे पर बुलाया, जो मैंने और जैक ने मिलकर बनाया था गांव से बाहर। उसने मुझे सुनाई एक बहुत ही अजीब कहानी। फोर्थ पैराग्राफ शुरू होता है, ही वॉज इन द फर्स्ट प्लेस। और वो उन लोगों में से, यानी कि एक वैग्रेंट नहीं था, बल्कि वो उन लोगों जैसा बनने की नकल करता था ताकि उनके साथ एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सके आसानी के साथ, बगैर किसी मुश्किलात के। और जो टोपी वो पहनता था वो एक नकली टोपी थी। उसने बताया कि ट्राइपॉड इंसानों के दुश्मन हैं और ना कि उनके हमदर्द, और वो उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और वो शायद किसी और दुनिया के हैं। और किस तरह से टोपियों के जरिए वो दिमाग जिन्होंने अभी अपने लिए सोचना शुरू ही किया होता है,
कब्जे में कर लेते हैं और फिर उन पर काबू पा लेते हैं अपने ही दुश्मनों की गुलामी करने के लिए। उसने मुझे ये भी बताया कि अगरचे ट्राइपॉड्स दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी कई जगह मौजूद हैं जहां पर लोग आज भी आजादी के साथ रह रहे हैं, और उनमें से एक जगह व्हाइट माउंटेन है, दूर जुनूब में इंग्लैंड से समंदर पार। उसने मुझसे पूछा, अगर मैं चाहता हूं इस मुश्किल और खतरनाक सफर पर जाना, तो मैंने हामी भर ली। लास्ट पैराग्राफ रीड करता है, He himself traveled on in search of more recruits, और वो लोगों की तलाश में खुद भी सफर करता, लेकिन मैं अकेला नहीं गया। मेरा एक और कजिन हेनरी, जो के इन सब के बारे में हमारे स्कूल के दिनों से पहले से ही मुखालिफ था, उसने मुझे देखा गांव छोड़ते हुए और वो भी मेरे साथ आ गया। हमने एक साथ समंदर पार किया और फ्रांस से हमें एक तीसरा साथी मिला जिसका नाम था जीन पॉल, और जिसको हमने नाम दिया बीन पॉल, और एक साथ हम लोगों ने जुनूब की तरफ सफर तय किया। और ये इतना ही मुश्किल और खतरनाक था जितना कि ऑज़िमेंडियस ने हमें बताया था, और आखिर में हम लोगों ने एक जंग भी लड़ी ट्राइपॉड्स के खिलाफ, और खुशकिस्मती से और एक कदीम हथियार के जरिए जो हमें मिला था बड़े बड़े शहरों के खंडरात से, हमने उन्हें शिकस्त दे दी या तबाह कर दिया, और आखिरकार हम पहुंच गए व्हाइट माउंटेन्स। तो दोस्तों, ये हमारा बीकॉम का चैप्टर था, एक और जो हमने आज कवर कर लिया, द ट्राइपॉड्स। एक चैप्टर था, एक स्टोरी नुमा चैप्टर, एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसमें हम बन जाते हैं अगर हम इसको सुनते हैं तो। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो ऑब्वियसली आप लोग भी इससे बन गए होंगे। तो इसको सुनिएगा, देखिएगा, अगर कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो देर ना कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सारी क्लासेस को इंशाल्लाह कवर करेंगे। अभी हम बीकॉम बीए बीएससी कवर कर रहे हैं, फिर हम लोग सेकंड ईयर भी कवर करेंगे, फर्स्ट ईयर भी कवर करेंगे, इंशाल्लाह मैट्रिक भी कवर करेंगे। इसके अलावा हम लोग ग्रामर और लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस चैनल पे आप लोगों को इंग्लिश के हवाले से एज अ सब्जेक्ट भी और एज अ लैंग्वेज भी, ग्रामर के तौर पर भी और राइटिंग टेक्निक्स ऑल टुगेदर इंग्लिश के बारे में आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए फौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन लाजमी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मेरी हर आने वाली वीडियो के मिलते रहे। अब आपसे इंशाल्लाह ताला एक अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेकबा।